हमारे लिए पहला स्टेप है तब हम जान सकते हैं कि हमने किस चीज के बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन वो लॉन्च करनी है सो so नोइंग के लिए ऑब्वियसली हमें रिसर्च करनी पड़ेगी हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे जिन एविडेंस की रोशनी में हम अपने प्रस्पेक्टिव को एक स्टेप आगे लेकर चलना चाहते हैं सो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट के तरफ जाने के लिए जब हम ट्रांजिशनल प्रस्पेक्टिव को सोचें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम उन स्किल्स को हासिल कर पाएं जिन स्किल्स से एविडेंस कलेक्ट हो सकता है अब उसमें हमारी टेक्निकल स्किल्स भी हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी हैं ह्यूमन स्किल्स भी हैं। सो वी वी टू टू नो, अंडरस्टैंड कि किन स्किल्स के साथ एविडेंस प्रस्पेक्टिव डिस्कशन वो की जा सकती है और एक लीडर को उन कॉम्प्लेक्स स्किल्स के जो सेट्स हैं उन प्रोफिशंसीज के उन कॉम्पिटेंसीज के जो सेट्स हैं उनको हासिल करना है द सेकेंड थिंग इज कि लीडर को इस में चीजों को देखना होगा कि उसके माहौल में जो नई चीजें रूनुमा हो रही हैं उनसे वो सीख पाए सो लर्न बिहेवियर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव और जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो याद रखें कि लर्निंग वुड मीन दैट देयर इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और जब तक वो परमानेंट चेंज लीडर अपने प्रस्पेक्टिव में नहीं लेकर आएगा तब तक एविडेंस भी उतना शार्प शार्पेब्लिश नहीं होगा और हम उस क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ भी नहीं जा पाएंगे जो हमारा मेन मोटिव है द थर्ड थिंग इज दैट शुड बी एक्सटेंसिव नॉलेज बेस एक लीडर के पास एक्सपीरियंस एक्सपोजर एजुकेशन ये सब कुछ मौजूद हो जिसको बेस बनाकर जिस नॉलेज को बेस बनाकर वो उस एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है एनालाइज कर सकता है क्रिटिसाइज कर सकता है और ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए इंप्लीमेंट कर सकता है एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज

अपने आप को बनाने के लिए मल्टीप्रस्पेक्टिव स्किल्स को लेकर आने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि इस ट्रांजिशन से हम गुजरें ताकि वो एविडेंस क्रिएट हों जिन एविडेंस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन के चांसेस ज्यादा हैं इसके बाद जब हम एडोप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं टूवर्ड्स एविडेंस बेस तो एडोप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत अहम अमर है एंड दैट इज विलिंगनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्योंकि जब तक कल्चर में अडोप्टेबिलिटी और फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होगी जब तक कल्चर आपको परमिट नहीं करेगा कि आप उन एविडेंस के साथ उन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स के साथ वहां पर ऑपरेट कर सकते हो तब तक आपके लिए एविडेंस को कलेक्ट करने का ज्यादा बेनिफिट वो नहीं हो पाएगा सेकेंड थिंग इज दैट देर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड डिस्कलोज टू द स्टेक होल्डर्स लाइक आई ऑलवेज से ओपन बुक मैनेजमेंट परस्पेक्टिव में हमें काम करना चाहिए और ओपन बुक से मुराद सिर्फ हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स नहीं है ओपन बुक में द शेयर होल्डर इन टर्म्स ऑफ ऑफ कस्टमर सप्लायर्स पावर द इंडस्ट्रियल परिस जिस जिस कॉन्टेक्स में भी आप देखो तमाम एस्पेक्ट्स में हमें ट्रांसपेरेंट होना है और शेयर्ड शेयर में चीजों को लेकर चलना है अब इस डॉप्शन को लेकर आने के लिए हमें ओपन डिस्कशन करनी होगी हमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज को सोचना होगा कि लोग क्या सोचते हैं लोग किस तरीके से फैसला करना चाहते हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो किन शवाह के साथ हेल्प हासिल करते हैं क्रिएटिविटी को लाने के लिए सो वी हैव टू ओपन डिस्कशन ताकि किसी की रिजर्वेशन ना हो द फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एडोप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन इज दैट ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट हम लोगों को यह बात सिखा पाए कि एविडेंस को यूज क्यों किया जाता है और उसमें मेन हमारा प्रस्पेक्टिव क्या होगा कि एविडेंस हमारे लिए हिस्टोरिकल डाटा कैरी करता है एविडेंस हमें वो बेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम रॉन्ग एंड राइट में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एविडेंस हमारे लिए वो बेस प्रोवाइड करता है जिस बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर पाए कि ये फैसला हमारे लिए सही है या सही नहीं है देयर फोर एडॉपशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हमें कमिटमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को मद्देनजर रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल द टॉप मैनेजमेंट वो लोग कितने इन्वॉल्व हैं उस एविडेंस की कलेक्शन में और उस डिसीजन मेकिंग में सेकेंड थिंग हमें यह सोचनी है कि कमिटमेंट ऑफ द लीडर कितनी है अपने फॉलोअर्स के साथ अपने प्रोफेशन के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तीसरी चीज हमें यह सोचनी है कि हम क्लैरिटी ऑफ परपज और सही डायरेक्शन के साथ ऑपरेट करें और जब हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें मिशन एंड विजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्पेक्टिव हैं वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो so, हम क्लैरिटी के साथ मिशन विजन वैल्यूज को मद्देनजर रखकर और शेयर से अपने फॉलोअर्स के साथ फैसलों को कर पाए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्पेक्ट इन दिस इज दैट वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को इनकॉर्पोरेट किया जा सके जहां पर पर्सनल मास्टरी शेयर्ड विजन एडॉप्टेशन ऑफ द चैलेंजेस उन सब चीजों को हम रुएकार ला सकें और हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जिसमें के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना आसान हो अगर हम अपनी सारी बात को कंक्लूड करें तो जब हम एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मूविंग टुवर्ड्स द टूवर्ड्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन लर्निंग प्रस्पेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के केस में अगर हम इसको डिफाइन करें तो द गुड डेफिनेशन आई हैव इज दैट अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन र इज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग तो ऐसे इन्वायरमेंट को जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग ब्रुए कार ला सकें, वी हैव टू क्रिएट वी हैव टू इंप्लीमेंट थैंक यू